se llama él. De hoy special mitai is tarah ben ke liye aur bahut hum pahunch gaya aur ghar pe pahunch gaya to aunt tarah par ghar pahunch gaya to abhi chalte hain andar aur ye unke car hai. Kya kar rahi ho ayat? Kya kar rahi ho? तो अभी अम्मी और आंटी मिल रहे हैं. पहले अब्बू तो मिल गए हैं. चलो हमारे गांव से कोई तो मुझे मिलने के लिए. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु. यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशकरम होंगे अपनी ज़िंदगी में और मज़े में होंगे और ज़बरदस्त होंगे. और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बस थोड़ी सी तबीयत डाउन है क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से तबीयत थोड़ी सी डाउन है. वैसे तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है. दूसरा, आपको सेकेंड ईद मुबारक. आज ईद का दूसरा दिन है और अल्लाह आपको खुश खुरम रखे और इसी तरह से मुसाक रखे और हमारे साथ आप ऐसे बने रहिए. तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. आज की प्यारी सुबह हो चुकी है हमारे गांव की, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आज हवा भी चल रही है, आपको चेक करें, हवा भी चल रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. कल तो बहुत सख्त गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी. आज ऊपर से हल्के हल्के से बादल भी हैं. दूसरा, गांव का माहौल और गांव का नज़ारा और गांव की ग्रीनरी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. तो क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. और ये चक्कर, ये कैसा परिंदा है, ये परिंदा देखें, ये परिंदा, ये देखें, ये भी जंगली परिंदा और हमारे इलाके में होता है और इसकी बहुत मोटी आवाज़ होती है, दुख 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 की आवाज़ करता है ये. और बहुत ही प्यारा परिंदा ये, माशाल्लाह. फिर क्या जैसा जो है पेट्रोल डलवाया था ना के साथ, सोना का जो है कुछ काम था, तो अभी चलते हैं अपने घर क्योंकि सोना का जो है काम है उनके घर. तो सोना को लेके चलते हैं. लेना था वो हमने ले लिया है, दही और टमाटर इसने लिए हैं और भी सामान जिसने लिया हुआ है. तो अभी चलते हैं घर की तरफ, बस इतना सा ही काम था सोना का. जुम्मे का टाइम हो गया और मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद में, वहाँ जाके करते हैं भाई जुमे की नमाज़. और आज गर्मी बहुत सख्त है और बहुत तेज़ गर्मी है और बुरा हाल हो गया है गर्मी से. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमे की नमाज़ कर ली, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे जुमा पढ़ने की साथ ही फरमाया. और तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जुमा मुबारक. और जो नमाज़ नहीं पढ़ते अल्लाह उनको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तरफ से फरमाया. आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन. मैं सुहेल और सुहेल के अम्मी जा रहे हैं सितारा बहन से मिलने के लिए. सितारा बहन ने हमें इनवाइट किया है कि मैं यहाँ तो नहीं आ सकती कि यहाँ हालात सही नहीं है. और जो है कि आयत को मिलने और दूसरा आयत को मिलने जा रहे हैं, शानी स्पेशल आयत मिल जा रही है. तो चलते हैं सितारा बहन के घर और वहाँ जाके आपको जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे. चलें जी, चलें. देर भी काफ़ी हो गई है, जो बहुत दूर काफ़ी सफ़र है. भाई पक्की रोड पे पहुंच गए हैं जिस जहाँ से हम आटा पिसवाते हैं. तो इधर से जो है पेट्रोल पंप से वो फ्यूल डलवाने के गए हुए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है ना, इसलिए फ्यूल डलवाते हैं अभी इधर से और बाकी जो है रास्ते से ही डलवाएंगे. अब यह है शॉर्टकट चंडीगढ़ का, इधर से जो है जल्दी पहुँचेंगे जहाँ से हम पहले जाते थे ना. वो लंबा रास्ता कहते हैं वो लंबा रास्ता, इसलिए हमने मैप से देखा है ये शॉर्टकट है मैप का. तो अभी मैप्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं. पिछली बार जब मेले पे गए थे ना तब मैप को फॉलो किया था, उसने शॉर्टकट बताया था सीधा मेले पे निकाला था. तो मैप जो है बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए आज भी हम मैप को फॉलो कर रहे हैं. कर रहे हैं अबू से भी नहर देखे कितनी भरी हुई जा रही है, पानी लेके जा रहा, दिल कर रहा है इसके अंदर जाके टूब के मार के नहाए. क्यों गहरी है बहुत गहरी, से नहीं नहाएंगे बस, फिर छोड़ दो फिर नहीं नहाते. तो है देखे कितना गहरा है, कितनी बढ़िया है और पानी देखे जाता है तेज तेज जा रहा पानी. तो अभी जो इधर से 20 मिनट लगेंगे चंडीगढ़ जाने में. और सामने देखें काफ़ी खूबसूरत बाग आ गया, ये इलाका काफ़ी हरा भरा है. इधर ज़्यादातर गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती है और कपास जो बहुत कम है. वो देखिए वो सामने जो है गन्ने हैं सारे के सारे. और ये आ गया है बाग आम का, ये भी काफ़ी बड़ा है. अरे भाई साहब आम किधर गए इसके, लगते आम बेच दिए उन्होंने.
हम देख रहे ये पड़े बना तोड़ के पका दिए, सारा लगा के बेच रहे हैं। ये देखिए हमने तोड़ भी दिया और बेच रहे हैं अभी सामने। थोड़े ऐसे ही थोड़े थोड़े एक दो हैं, ये देखिए एक दो हैं बस, एक दो जो है पौधे लेते हैं बाकी खत्म खाली कर देते हैं। हाँ मौसम ख़त्म होने वाला है इसलिए साथ जल्दी जल्दी बेच दे इन्होंने बोला। एक और हम पहुँच गए हैं और ये रहा हाईवे, तो अभी जो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हाईवे पे हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़, तो आधे घंटे का सफ़र था। आगे तो बड़े बहुत बंदा क्या थे वो आगे रास्ता जो है डेढ़ घंटे। हम जो है ना पहुँच गए चंडीगढ़ और यहाँ पे मैं अभी वैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो फेल गया है फ्यूल भरवाने पे, क्योंकि फ्यूल हो रहा था कम तो सफ़र लंबा है ना, इस वजह से यहाँ से फ्यूल भरवाने रास्ते में पता नहीं कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा, रास्ते में नहीं मिलेगा फिर परेशानी ना हो जाए, इस वजह से सवेल गया फ्यूल भरवाने। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, जैसे सवेल आएगा फिर अपना जो है सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आ गया है पेट्रोल डलवा के फ्यूल डलवा के, हाँ फ्यूल भरवा लिया, परेशानी तो कोई नहीं हुई। चलो फिर चले चले, रेस्ट किया है काफ़ी देर सफ़र करने के बाद, लग चुकी है प्यास। इधर हमने अच्छी सी जगह ढूंढ लिया, काफ़ी खूबसूरत है मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा। कौन सा दरख्त है? बुहेड़। बुहेड़ बुहेड़, हाँ बुहेड़ का दरख्त, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और मौसम देखे बहुत प्यारा बन चुका है, सूरज के आगे आ गया बादल और ठंडे हवा भी चल चुकी है और पानी भी ठंडा, अभी तो ठंडी हवा चल रही है, अभी मजे करे। हम फिर से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और काफ़ी लंबा सफर है और टाइम बहुत हो चुका है। अभी जो है मैं पहुंच गया हूँ खान पेले और सुहेल उसके अभी यहाँ पर क्यों है, तो मैं यहाँ से कुछ ही लेता हूँ क्योंकि हम पूरा माज नहीं गए थे ना, तो हम बाहर से निकले थे तो यहाँ से मिठाई लेता हूँ उस तरह बहन के लिए और बच्चों के लिए, तो यहाँ से जो अच्छी शॉप है वहाँ से जाके मिठाई लेते हैं। पहुँच गए दादा स्वीट, तो यहाँ से मिठाई लेते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी शॉप नज़र आ रही है और ये दाता वाले हैं भी अच्छे, तो यहाँ से मिठाई लेते हैं स्पेशल बनवा के, तो यहाँ से जो मैं ले आऊँ स्पेशल मिठाई इस तरह बहन के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मिठाई है क्योंकि दाता वाले जो है ना हर जगह पर इनका ब्रांड है और दाता वालों की जो मिठाई है बहुत ही अच्छी होती है। मिठाई मैंने ले ली है, अभी मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ पर, मेरी वाइफ और सुहेल रुके हुए हैं और वो सब ठहरे हुए हैं, तो चलते हैं वापस अपना सफ़र जो है कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी देर हो गई है और टाइम भी ख़त्म होने वाला है, रात होने वाली है। रुके हैं अबू पढ़ने गए हुए हैं नमाज, तो अभी हाईवे के साथ रुके हुए हैं, ये पेट्रोल पंप है, गए हुए हैं पेट्रोल पंप की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी पढ़ भी लिए आ रहे हैं ये ब्लैक सूट में। काफ़ी मेहनत के बाद हमारा बोट जो रोड जाती है वो हमें मिल गया है, पूछ पूछ के हमने पता तो कर लिया है कि ये रोड जो है नमाकोट जाती है। नमाकोट हो चुका है जहाँ पे आंटी सारा का माइका है, कैसे अब आंटी सारा का माइका जो है नमाकोट का है। कोट हम पहुँच गए और घर भी पहुँच गए, तो आंटी सारा पर घर पहुँच गया, तो अभी चलते हैं अंदर और ये उनकी कार ठहरी हुई है, तो अभी देखते हैं कौन सा घर जाना है, इस घर या अपनी और कई घर है देखते हैं। क्या कर रही है वो आयत, क्या कर रही हो? बिस्किट खा रही हो? पार्टी अभी कर क्या हो? पार्टी में मज़ा आया? ओ गिर जाओगी, क्या कर रही हो? गिरोगी? ओ एक्टिंग देखने आ रहे हैं अभी मामू फरूक के घर, अब उन्हें से आयत को उठाया हुआ है तो बागे जा रही है और दादी जो इधर जा रही है दादी, तो अभी चलते हैं मामू फरूक के घर। आयत क्या कर रही है? शानबाजी किस करो? अभी याद आ गया, पहले तो याद नहीं आया था, अभी याद आया। क्या हुआ आयत? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? बिल्ली। बिल्ली माऊ है, शानबाजी है, शानबाजी। तो अभी अम्मी और आंटी मिल रहे हैं, पहले अब्बू तो मिल गए हैं। चलो हमारे गांव से कोई तो मुझे मिलने के लिए।
हां वहां तो कितना मजा आता था। हां सोचा तो यही था कि वहां के सारे एक साथ दिन करेंगे, बस हालात कैसे हो गए, हालात बहुत खराब हो गए एकदम से, वो कहते हालात बदल गए। आज बैठे चलो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप भी मुझे लगते कई साल बाद कैसे भेजा रहे हैं आपके मन वो मेरे लिए काफी थे। हां फिर जब आपके चाचा फौत हुए थे ना ये था ना, ये सुहेल था ना, सुहेल पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ तस्वीर है ना इसकी। तो ये शानी कितना 14 साल बाद आ रही है यहाँ पर फारूक भाई के घर पे, इतना अरसा बाद मुझे ईद मिलने के लिए। चलो बैठे कैसे साइकिल उठा दे बस मिल रही है चाय, रात में चाय पीने का मजा ही कुछ आता है। तेब आप नहीं पियोगी? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी? हाँ। अच्छा मैं पी लूँ फिर हम खेलते हैं, जो आप कहेंगे वही खेलूँगा। डिनर अभी लग चुका है, हमारे डिनर में है अब ये क्या बना हुआ है? पुलाव है। पुलाव है, गोश्त वाला पुलाव। मैं, अम्मी, अबू और तेबा, तेबा भी मेरे साथ बैठी हुई है। फिर बैठी हुई हो? क्यों नहीं खाओगी? आपने खाया हुआ है? आपने खा लिया है? नहीं। खाओगी बाद में? अच्छा बाद में खाएगी, अभी आप अपना डिनर शुरू करें। कैसे बना हुआ है पुलाव? पहले हम पहुंच गए सर बहन के बैग के, माशाल्लाह जो है ना सफ़र काफ़ी अच्छा हुआ रहा। पहले तो सख्त गर्मी थी लेकिन थोड़ी देर के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था और आराम से स्कूल से पहुँचे थे। बस थोड़ा सा एक दो जगह पर भूले थे, फिर हमने से रब्ता करके ना रास्ता पूछ लिया था और फिर हम सीधे आ गए 7-8 पर। माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए और आज खास तौर पर आज शादी से मिलकर बहुत खुश हुई। तो ये भी मेरा ब्लॉग करता हूँ, मुझे आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलेगा मिलते हैं कल एक नए के साथ, तब तक हाफिज़।